महज 5 महीने पहले ही करिश्मा की शादी पंकज कुमार से हुई थी। दहेज लोलुप ससुराल वालों ने उसे दहेज की बलि चढ़ा दिया। मृत महिला जिले के मसरख थाना क्षेत्र के सेमरी निकुंभ टोला निवासी पंकज कुमार की 22 वर्षीय पत्नी थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही मृत महिला के मायके वालों को हुई, वे लोग उसके ससुराल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा, जहां मृत महिला के भाई ने बताया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी गला दबाकर हत्या की है। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। समाचार परिसर तक इस मामले में प्राथमिकी की प्रक्रिया चल रही थी। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। मेरे बहन को मार दिया गया है रात में दाब करके नत्ती। सुबह में हमको बताया गया है तो हम आए हैं तो देखे हैं तो उनको लेटाया गया था बिस्तर पे। अब बोल रहा है लोग फांसी लगा लिया, लोग फांसी नहीं लगाई, हमको जहाँ तक पता है वैसी वो लड़की नहीं थी। उनको मारा गया है और टॉर्चर भी किया जा रहा था। किस लिए टॉर्चर किया जा रहा था? टॉर्चर किया जा रहा था उनको दहेज पट्टा के लिए। बाकी उनके हस्बैंड कॉल वगैरह कभी करने के बाद टाइम नहीं मिल सकता था, बात करने का लेट होता था, इसलिए गाली वगैरह होता था उनके साथ घर पे। क्या नाम है लड़की का? करिश्मा कुमारी। कहाँ शादी हुआ था? शादी सेमरी मसरख थाना। आपकी कौन है? बहन है मेरी, बड़ी बहन। क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह।